इंसान मैं पहली बार देख रहा हूं, और उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि he's an Indian. अभी लगभग एक महीने पहले रिलीज हुई कब्जा मूवी तो आप सभी को याद होगी, जो कई ज्यादा हद तक केजीएफ फिल्म की कॉपी थी। इसलिए ऑडियंस से इस फिल्म को जितना अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए था उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 50 करोड़ का किया। पर मेकर्स के मुताबिक 50 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने पहले दिन कर लिया था, और अब तक ये फिल्म 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। पर अब ये नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है। मेकर्स के मुताबिक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कई ज्यादा है, पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म सुपर फ्लॉप रही। लेकिन इन सभी के बीच मेकर्स ने कब्जा फिल्म के सेकंड पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी है, यानी कि अब हमें बहुत ही जल्द इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। पर ऑडियंस सोच रही है कि फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पांस तो मिला नहीं, और फिल्म ने अपने बजट जितनी कमाई की नहीं, तो फिल्म का सेकंड पार्ट कैसे बन सकता है। आपको बता दें कि कब्जा फिल्म का बजट लगभग 120 करोड़ था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने सिर्फ 50 करोड़ की कमाई की। इसलिए अब ये सवाल बनता है कि मेकर्स ने फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी इसके सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट कैसे कर दी। लेकिन अब कब्जा फिल्म के सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और हो सकता है कि हमें 2024 के लास्ट में ये देखने को मिल जाए, क्योंकि सुनने को मिल रहा है कि कब्जा फिल्म के सेकंड पार्ट की शूटिंग 2023 के लास्ट तक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये फिल्म हमें 2024 के लास्ट में या 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेकर्स का ये डिसीजन ठीक है या नहीं, और देखने वाली बात होगी कि फिल्म के सेकंड पार्ट को लोगों से क्या रिस्पांस मिलता है। फिल्म की कास्टिंग में तो काफी दम था, फिल्म में हमें साउथ के बड़े बड़े कलाकार देखने को मिले थे, लेकिन फिल्म के स्टोरी और कई सीन्स केजीएफ फिल्म से कॉपी किए गए थे, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद नहीं आए। इसलिए ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में गई ही नहीं। और आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार उपेंद्र देखने को मिले थे, और इनके साथ साउथ के दो बड़े सुपरस्टार सुदीप और शिवराज कुमार देखने को मिले थे। वहीं बात करें फिल्म में हीरोइन की, तो फिल्म में हमें एक्ट्रेस के रोल में साउथ की बड़ी एक्ट्रेस श्रेया सरन देखने को मिली थी। वही बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक आर चंदू के डायरेक्शन में बनाया गया था। अब देखना यह होगा कि फिल्म के सेकंड पार्ट को भी आर चंदू ही डायरेक्ट करते हैं या नहीं। बट सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि अब की बार फिल्म की स्टोरी क्या होगी। हो सकता है कि अब की बार स्टोरी में केजीएफ चैप्टर 2 के मुताबिक कुछ हो, और अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। और देखने वाली बात यह होगी कि इसमें इतनी बड़ी कास्टिंग दोबारा आती है कि नहीं, और ये भी देखने वाली बात है कि फिल्म का बजट इतना ही रहेगा या फिर फिल्म के बजट को कई ज्यादा बढ़ा दिया जाए। बाकी इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।